और इसके बाद हम लोगों को अगला जो टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा एसिड, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग एसिड के विषय में पढ़ चुके थे कि एसिड हम लोगों के लिए काफ़ी डेंजरस होता है, वो हम लोगों को काफ़ी लॉस कर सकता है, तो हम बेस का कुछ डिफिनीशन देखें। जैसे कि यहाँ पर बेस में डिफाइन किया गया है ए सबस्टांस विच हैव बीटर टेस्ट, यानी जिनका स्वाद काफ़ी कड़वा होता है। आप उदाहरण के तौर पे करेला खाओ, है ना, या जो नीम होता है कच्चा नीम खाओ, ये सब जब खाओगे तो आपको काफ़ी कड़वा लगेगा, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है बीटर टेस्ट। फिर वो सबस्टांस जो है सॉपी टू टच, मतलब आप अगर साबुन को छुओगे तो काफ़ी चिकना वो लगेगा, समझे, उस टच को बोलते हैं सॉपी टू टच। तो जिनमें ये कैरेक्टर हो, इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है न्यूट्रलाइजेज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो हमारे पास कोई एसिड यहाँ पे दिया गया हो, ठीक है, और अगर हम लोग किसी बेस का यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं तो यह जो बेस है ये इसको न्यूट्रलाइज ऐसे करेगा कि बेस का जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव है और सेकेंड पार्ट निगेटिव है, एसिड का भी फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है सेकेंड पार्ट निगेटिव है, तो नियम के अनुसार ये प्लस और माइनस जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा KCl जो कि एक सॉल्ट है, और ये H और OH मिल के बना लेगा H2O जो कि वाटर है। तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा रिएक्शन हमारा होगा ये पूरा केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, पूरा केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें खूबी होता है कि यह जो रेड लिटमस है इस रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैरेक्टर जिस भी सबस्टांस में होता है हम लोग उस सबस्टांस को बेस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है अल्कली। अल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसेज, यानी कि वैसे बेसेज जो वाटर में घुल जाते हैं सॉल्युबल होते हैं हम लोग उनको अल्कली कहते हैं। और इसके अगर एग्जांपल को हम लोग देखें तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरीका के ये सारे बेसेज के एग्जांपल आते हैं। और ये जो दोनों बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि जब यह वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं तो ये बिल्कुल 100% डिसोसिएट होते हैं, यानी 100% ये टूट जाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव आयन में। लेकिन बाकी ये सब जो बेसेज आप देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं वीक बेसेज, क्योंकि जैसे ही वाटर में इसको डालेंगे ना तो ये 100% नहीं टूटेंगे, समझे, हो सकता है 100% से कम टूटे, जैसे मैं 60% 40% ये सब, तो इसलिए इसको हम लोग वीक बेस के नाम से जानते हैं, ठीक है।